हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे पिता की संपत्ति में बेटी के हक की। इस पर मैंने पहले भी बहुत से वीडियो बनाए हुए हैं, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहे तो उन वीडियो को पहले देख सकते हैं। हमारे देश में बेटियाँ अपने अधिकारों को लेकर हमेशा से संघर्ष करती आई हैं और पैतृक व्यवस्था से वो कई अधिकारों से वंचित रखी गई हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ जिस तरह से उन्होंने अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाया है, उससे न केवल उन्होंने अपने अधिकार पाए हैं बल्कि समाज में एक नई सोच को जन्म भी दिया है। कानूनन पिता की संपत्ति में बेटियों के अधिकार की बात करें तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत प्रॉपर्टी में बेटे और बेटियों के अधिकार अलग अलग थे। इस अधिनियम के तहत बेटों को पिता की संपत्ति का पूरा हक मिला हुआ था, जबकि बेटियों का सिर्फ शादी होने तक ही इस पर अधिकार हुआ करता था। शादी के बाद बेटी को पिता का नहीं बल्कि पति के परिवार का हिस्सा माना जाता था। लेकिन 2005 में इस कानून में बदलाव किए गए। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 मूल रूप से बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार नहीं देता था, लेकिन 9 सितंबर 2005 को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005, जिसके तहत हिंदुओं के बीच प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है, उसमें संशोधन करके इस असमानता को हटा दिया गया। उसके बाद इस कानून में बदलाव करके हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में संशोधन के बाद अब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के मुताबिक लड़की चाहे कुंवारी हो या फिर शादीशुदा, वो पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सेदार मानी जाएगी। बेटी को पिता की संपत्ति का प्रबंधक नहीं बनाया जा सकता। 2005 के इस संशोधन के बाद बेटियों को भी वही अधिकार दिए गए हैं जो पहले बेटों को हुआ करते थे, लेकिन इस अधिकार में भी कुछ लिमिटेशंस दी गई हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में इस संशोधन का लाभ बेटियों को तभी मिल सकता है जब उनके पिता का निधन यानी कि मृत्यु 9 सितंबर 2005 के बाद हुआ हो। इसके अलावा बेटी पिता की पैतृक संपत्ति में एक सहभागिता तब बन सकती है जब पिता और बेटी दोनों 9 सितंबर 2005 तक जीवित रहे हों। इसी तरह पुश्तैनी संपत्ति में भी समान अधिकार दिए गए हैं। पुश्तैनी संपत्ति के अधिकार की जब बात आती है तो इसमें सबसे पहले ये समझना जरूरी होता है कि समान उत्तराधिकारी में कौन आता है। सहदायिका यानी कि समान उत्तराधिकारी में परिवार का सबसे बुजुर्ग सदस्य और परिवार की तीन पीढ़ियां आती हैं। फॉर एग्जांपल, हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि सहदायिकी परिवार में पहले बेटा, पिता, दादा और परदादा ही आते थे, लेकिन अब परिवार की महिला सदस्य भी अब समान उत्तराधिकारी हो गई हैं। पैतृक संपत्ति पर सभी लोगों का हिस्सा होता है, लेकिन खुद से अर्जित की हुई संपत्ति में उसी शख्स को यह अधिकार होता है कि वो वसीयत के जरिए इसका बंटवारा कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति वसीयत बनाए बिना मर जाता है तो आप जहाँ रहते हैं उस राज्य के कानून के अनुसार ये तय होता है कि आपकी प्रॉपर्टी आपकी मौत के बाद किस तरह से बांटी जाएगी। हिंदू उत्तराधिकार के संशोधित अधिनियम 2005 के बाद ये पूरी तरह से साफ हो गया है कि पिता की प्रॉपर्टी पर एक बेटी भी बेटे के समान अधिकार रखती है। लेकिन इस कानून की धारा 6 क्लॉज 5 में ये स्पष्ट किया गया है कि इस कानून के पास होने से पहले जो बंटवारे हुए हैं वो इससे प्रभावित नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा एक छोटा सा वीडियो बेटियों के हक के ऊपर। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसके अपडेट मिलते रहें। अगर आप लॉ से रिलेटेड किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी आपके मनपसंद टॉपिक पर वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊँ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।